बरेली में अच्छा है गर्मी है, इधर अच्छी है? इधर कैसी, इधर तो मान लो अच्छा ही अच्छा है, बरेली तो आग आग फटती है। अच्छा, यहाँ क्या अच्छा लगता है फिर आपको? जी ठंड ठंड अच्छा। उनका विजिट करवाता हूँ, मैं आपको दुकान दिखाता हूँ। या ये है हमारे मन्नू दा की दुकान, और जो हमारे स्मॉल भ्राता हैं, यहाँ पे आपको दुकान मैंने ओपन कर दी है और दुकान का विजिट भी आपको करा दिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, तुम्हारा क्या रखा है, कुछ नहीं है। हाँ? 19 इंच बना के भेज दिए। हाँ? जाना उसी घर को फेरियो। सही बात है, उसने बोला है कि रिंच इंच अपने इस्तेमाल करके इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, है ना। बोला जब तक रिंच चल रही है ठीक है, और जैसे ही रिंच खत्म हो जाएगी इधर आ जाओ। ये बोन्ड को ना फेल करने ला गएगी। हाँ? बस बुला लेंगे। हाँ, सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब बोन्ड सलम मारने लगेगा। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब साथियों, नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम पहला। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा बेहतरीन मौसम, हमेशा मौसम की ही बात करता हूँ यार, आप भी बोलते होंगे ना, क्या मौसम मौसम लगा रखी भाई, करूँ क्या, नेचुरल एसी अब है ही ऐसे तो क्या करूँ, है ना। अब देखिएगा, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने वाला पेड़ कितना प्यारा हिल रहा है, अभी दिख रहा है हवा चल रही है, नेचुरल एसी। आज मेरे एक ताऊ जी आए थे सुबह, तो कह रहे थे यार हल्द्वानी में बिल्कुल एसी फेल हो रहा है, बेटा हल्द्वानी घर मत बना। मैंने कहा ताऊ जी ये तो आपको एहसास हो रहा है हल्द्वानी जाने के बाद, ये तो हम जब कक्षा 10th में या और 11th में पढ़ता था तब एक बार हल्द्वानी गया था ऐसी गाड़ी में ना, आपको पता है, तभी मैंने सोच लिया था यार आई विल नॉट लीव माई विलेज बिकॉज आवर विलेज इज वेरी ब्यूटिफुल, ऑलवेज टेकिंग एन्जॉय हियर, आई एम ऑलवेज सेइंग ऑल अनदर वीडियो आई सेट टू यू ऑल्सो, सो आप जानते हैं भैया गांव का जो मौसम होता है, जो यहाँ का वातावरण होता है, वो सच में वाकई काबिले तारीफ, मतलब ना ये देख लीजिएगा आप, पेड़ हिल रहे हैं ना, हवा आ रही है, आपको दिख रहा होगा, तो ये नेचुरल एसी जो अभी की जो फील आ रही है ना अंदर से, ये फील मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ पर बयां नहीं कर सकता भैया। शाम का वक्त हुआ है इस समय, 4:30 or 4:45 का टाइम है, और मज़े से अपने घर के पास में मैं अपनी चेयर लगा के, ये फर्स्ट क्लास चेयर लगा के, और ओहो रेडियो सुन रहा हूँ इस माइक पे, और बड़ा मज़ा आता है। ओहो रेडियो वाले कभी कभी मेरे को भी ले लेते हैं और ऑनलाइन, और मैसेज भी पढ़ लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। जो लोग गाँव आ गए ऑल द बेस्ट, जो नहीं आए वो भी बेस्ट, भैया अपनी अपनी चॉइस है। कल एक भाई जी आए थे, कह रहे थे यार हमारे बच्चे गांव आते नहीं, मैंने कहा हो बच्चों का कल्चर है भैया, है ना, हम तो गांव को ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना, आहा हा, जून का मौसम, और ऐसे लग रहा है, ऐसा भी नहीं है भैया कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार अभी जून में ये हाल है, तो सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता था, नहीं भैया सर्दियों में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, मस्त एकदम ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में भी, मतलब नॉर्मल आप कोट काट से चल जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। चलो और दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ये काम थोड़ा सा हमने गार्डनिंग कर दिया है पेड़ों में, थोड़े पेड़ों के जड़ पे ये मैंने ट्राई करी, यहाँ पे एक नई कीमू का पेड़ लगाया है, और कीमा मतलब कि जनरली जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी घास बनती है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया टहनी हो रही ना, यही टहनी काट के लगा दी तो लग जाता है। ये आड़ू है, और यहाँ पे हमारे संतरे आएंगे कुछ दिनों में, तो संतरे की जड़ पे भी मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल दी है, गोबर डाल दिया साइड करने से, और ये भी एक चूक का बेल बनेगा, पेड़ बनेगा, सॉरी वेल कह दिया, तो ये भी इसकी भी मेंटेनेंस कर दिया मैंने, और आपको दिखाता हूँ कि चूक कैसे हो रहे हैं, अभी भी जून का महीना चल रहा है और हमारे पास चूक अभी भी पड़े हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अभी भी चूक संतरा ये पड़े हुए हैं, नींबू बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है खाने में, ये है दोस्तों अभी भी चूक पड़े हुए हैं और बहुत टेस्टी होता है, किसी को ज़रूरत हो तो मैं हम लोग देते रहते हैं, और मैंने मम्मी को बोला है कि खासकर जो चिल्ली बट्टी आ रहे हैं उनको, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको देना है, फर्स्ट फ्रूटी उनको देना है, तो ये चूक भी हम देते रहते हैं लोगों को, किसी को चाहिए होगी तो बता देना, और भी बस 2-4 दाने रहे हैं, 100 पीस है वैसे। ये देखो दोस्तों, खेतों में झूमर और भट और मक्का लगाया हुआ है, ये भी है अभी, बहुत सारा काम धाम करने के बाद अभी मैं अपनी गौशाला में आया हूँ, और बकरी को भी खोलने है भैया थोड़ा सा। जुमो चल बेटा, तुम भी जा लोगे, हाँ घास चरने चलोगे, चलो ये खोल दे बेटा मैंने बकरी,
सब शरारत नहीं करना बच्चे, ये शरारती बच्चा है मेरा, ये शरारती बहुत शरारती है, ठीक है ना। चलो ले 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 ले। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 जाओ। दुकान में पहुंचे हैं, दुकान का ताला खोल रहे हैं। चौमिन बर्गर समोसा सॉस है ये। चलिए भैया, अमूमन सभी घरों में होता है कि खुलने के बाद थोड़ा साफ सफाई कर ली जाए, सफाई कर ली जाए तो तभी दुकान में रहने का भी मजा है। चलिए भैया, साफ सफाई करने के बाद अब थोड़ा सा मंदिर में धूप बत्ती कर दी जाए और फिर देखते हैं आपको। करने के बाद अभी मैं सुनूंगा इसमें ओहो रेडियो गाने चलेंगे, और चलिए गाने तो चलेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा दुकान का विजिट करवाता हूँ, आपको दुकान दिखाता हूँ। या ये है हमारे मन्नू दा की दुकान, और जो हमारे स्मॉल ब्राता है यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स में सारा कुछ मिलेगा, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स होता है, और फ्रिज के अंदर भी ठंडा किया हुआ भी मिलेगा, और छोटी बोतल बड़ी बोतल आपने जो भी लेनी है, कोक गोरो मिरिंडा टमाटो ये देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा दुकान में, ए टू जेड रहता है। छांस भी आपको पी सकते हैं, खट्टी मीठी जो भी छांस पीनी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मिश्री मिल सकती है, मैगी कुरकुरे सारा कुछ रहता है दुकान में। दुकान में बेसिकली जनरल स्टोर इज दैट, सो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर एवरीथिंग। बेसिकली जो घर में यूज होता है मसाले मसूले ये देखिएगा, तेल वगैरह भी रहता है। स्मॉल सा मंदिर बनाया है एक हमने बढ़िया सा, तो ये कुरकुरे हैं, ये हैं बेसिक चीज़ें हैं भैया, चाउमीन एंड दाल भी आपको सब मिलेगी। ये देखिएगा दाल अरहर की, उड़द की, ये सब सारी कुछ हैं, दाल रखी हुई है, दाल का डिब्बा इस तरीके से बनाया गया है, और ऊपर में कुरकुरे लेआउट किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कुरकुरे। ये देखिएगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है, बिस्कुट चाहिए बच्चों के लिए तो बिस्किट भी है, और ये है सारा कुछ है भैया शॉप। बर्तन धुलाई वाले चंदन टीका भी मिलेगा, सारा कुछ यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर एवरीथिंग। अगर कुछ मसाले वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, जैसे ये देखिएगा आप चिकन विकन बनाना हो तो उसके लिए भी सारे मसाले हमारे मन्नू दा के दुकान में उपलब्ध हैं। और ये टॉफी आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा शैम्पू वैम्पू जो भी चाहिए आपको मिला एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये छोटा सा रिव्यू है, और एक ये ड्रम है, और इसको पीने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। कल ही मैंने ये जग धोया था, कितना अच्छा चमक रहा है देखो, है ना, धुलाई भी होना बहुत जरूरी है। ये है अपने मन्नू दा की वो चौमिन सॉस, जो चौमिन में हम सॉस लेते रहते। अरे भैया आपको ओरिजिनल पहाड़ी मिर्ची चाहिए तो अभी मन्नू दा के दुकान में उपलब्ध है, और ये पहाड़ की मिर्ची है, ये भी आप ले सकते हैं यहाँ से टकाटक, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और काफी चना अगर आपको चाहिए तो वो भी उपलब्ध है, सारा कुछ मतलब है ना जनरल स्टोरेज में। जिसके लिए मन्नू दा के पास ये कढ़ाई है खाने के लिए, और ये कढ़ाई चिकन वगैरह की डिमांड में आप देख सकते हैं। अंडे चाहिए तो मन्नू दा ने अंडे भी रखे हैं, तम्बाकू दूध एवरीथिंग सब कुछ मिलता है भैया। मन्नू दा की एक छोटी सी दुकान है जो ये फाटक है, ऐसे खुलता है, और ऐसे बाहर आने के बाद एक बेंच और एक टेबल है,
और टेबल के जस्ट बगल में ही ये सब्जी रखी हुई है, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये आपका फूल गोभी, बंद गोभी, ये शिमला मिर्ची है भैया, इसमें भिंडी भी है। देखो भिंडी को थोड़ा उसने ऐसे रखा क्योंकि ताकि ख़राब ना हो, तो भिंडी भी है इसमें, आप भिंडी का भी सेव कर सकते हैं। और सामने रोड है एकदम बढ़िया सी ओरिजिनल रोड, और ये भी है भैया मनुदा ने ऐसे लगाए हुए हैं, ये मैंने आइडिया दिया था मनुदा ऐसे करना है करके, तो बाहर से इस तरफ का दिखता है इसका दुकान में सरफ वगैरह और सारा कुछ जो भी चाहिए। और ये मनुदा का एक छोटा सा तराजू है जिसमें तोला जाता है, ये है भैया लुकिंग मनुदा की दुकान का बाहर से ऐसे लुक दिखता है। ये पेड़ लगाए हुए हैं, देखिएगा पेड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये है भैया पेड़ एड़ आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे इस तरीके की रोड है, आप ये देख सकते हैं, ये है रोड, ये देखिएगा मनुदा 100 रुपए फ्लेक्सी कर दे मेरे मोबाइल मा, ये है भैया ये ऊपर को आने वाली रोड है जब मनुदा की दुकान पर आती है, ये मनुदा की स्मॉल सी और प्यारी सी दुकान। नकद बड़े शौक से उधार अकले चौक से, ठीक है, चाय चाउमीन समोसा छोले मोमो। चलिए भैया मनुदा की दुकान मैंने ओपन कर दी है और दुकान का विजिट भी आपको करा दिया है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ी देर में खाना आना बनाएंगे वो करेंगे, ये बकरियों को भी ले जाना पड़ेगा, तब तक मैं सुनता हूं आपके साथ बहुत प्यारी सी आवाज में ये रेडियो FM। वेलकम टू इंटेक्स ब्लूटूथ मोड। चलिए भैया ये देखते हैं भैया, एक अंकल जी आए, क्या लेके, अंकल जी क्या लेके आ गए, कहाँ है, वही है मूली का बीज, अच्छा भिंडी का बीज, अच्छा अजवाइन काली मिर्च, अच्छा बीज है, चलो बढ़िया है, कहाँ से आए हो, काफी रहा हूं। चलो बीज सारे लेके आते हो, बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो आप गांव वालों को, हैं? तुम्हारे घर में है कोई नहीं, हमारे घर वाले तो हम ही दे रही है, हमारी दुकान है, अच्छा देखते हैं क्या क्या लेके आए हो आप, हैं? चलो आप हमारे पहले ग्राहक आ गए आज, हैं? रोटी भी लाते हैं आपको, बोनी भी होगी हमारी, हैं? लो भैया हमारी बोनी भी होगी फ्रूटी, बीस वाली लाओ तुम, हैं? बीस वाली आम एम होती है, बीस वाली में छांस मिलेगी फिर आपको, अच्छा मीठी और वो वाली दो पी लो, या तो दो ना जी, वो कौन सी पियोगे, मीठी ये छांस है वो वाली, ये नमकीन वाली है, ठीक है, और ये मीठी छांस है, आप कोई भी पी लो जो आपको पीना है, 15 रुपए वाली दे दो, बिल्कुल 15 वाली है, चलो बोनी भी होगी फिर आपका, 20 देखते हैं, मीठी सब कुछ है इसमें, तो आपका बीज बाज अचार अगल को हटाओ, पनीर मीठा होगा नीचे में, ना ना इतना तो नहीं खोलने मेरे को, पर नॉर्मली देखना आप क्या क्या लेके आए हो, बढ़िया सेवा दे रहे हो आप गांव के लोगों को, आम आम का है, हाँ, और मिर्च भी है, कैसे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, डब्बा दे रहे हैं 1 किलो का, 1.30 का, हाँ। दे रहे हैं 20 रुपए का, चलो ले लेंगे अचार उचूर भी, रहने वाले कहाँ के वैसे, रहने वाले हम बरेली के, बरेली में, बरेली में कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा, बरेली में अच्छा है गर्मी या इधर अच्छी है, इधर कैसी, इधर तो मान लो अच्छा ही अच्छा, बरेली में तो आगे आग फटती है, अच्छा यहाँ क्या अच्छा लगता है फिर आपको, ये ठंड ठंड अच्छी लग रही है, मौज आ रही है ठंड में, क्या हम कल माल बिक गया, आज ये लाइट है ना, कल घर चले जाएंगे, ठीक है ठीक, वहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ बुरा बुरा हाल होगा, वहाँ गर्मी बहुत है, और यहाँ थोड़ा राहत मिले ठंडे ठंडे एसी ना, नेचुरल एसी की तरह है, हाँ यही तो है, हमारे वहाँ के लोग तो सब बाहर प्लान कर जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, उनको यहाँ के अहमियत के बारे में पता नहीं है ना, हाँ बाहर के लोगों को अच्छा लगता है यहाँ, बाहर वालों को अच्छा लगता है, हाँ तो भरारी की तरफ जाते हैं, कौन, तो आप देख, नहीं नहीं मेरा भाई है वो छोटा भाई, अच्छा। मैं तो जॉब करता हूँ बाहर ना, तो मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में घर आ जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया अचार है यार, मस्त अचार है, कितने का है ये, 1 kg 130 रुपए का है, मस्त अचार, ओ माय गॉड ये अचार है, और ये छोटे वाला, ये 20 रुपए का, अरे गुड वाह बढ़िया अचार है यार, देखते हैं फिर, अभी लेते हैं खरीद, हाँ ठंड में बैठ गए, अब ये बैठ गए, अब अगले लाख बैठे, हाँ ये दस जाने तो थे हम तिल्लाड़ी को, तो लोग बोले तिल्लाड़ी तो बहुत दूर है, मतलब ठंड की वजह से रहते हो आप लोग यहाँ, बढ़िया बढ़िया, और कौन कौन है घर पे,
ठंडी की वजह से यहाँ अपना दो रोटी का रोजगार भी हो जाता है और ये आपका सामान भी बिक्री हो जाता है, लोगों को सुविधा भी मिल जाती है। बढ़िया बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास कवाल से तो है बोल और ये वाल डबल डबल का ठीक बोल तो वाले दे ली नहीं ये तो चढ़ाई नहीं, हम जाते हैं तेल लाड़ी लो उधर दुफाड़ लो दुफाड़ चले जाती है रास्ता। इस गाड़ी में डीजल कम लगता है। हाँ इसमें डीजल कम लगेगा, चलते रहो अब मन होता है पर बैठ जाओ, अब गाड़ी बैठे होते दूसरी पे दूसरी वाली तो सीधे ही चले जाते बैठे, आपके जोड़े नहीं आ पाते। अब ये गाड़ी है यही पर टिकासा ले लिया रोक रोक दी, अब यहीं से चलेगी गाड़ी ये हर जगह रुकती जाएगी। ये सही है, पांव की गाड़ी बिल्कुल सही है ना। हर जगह रुकती जाएगी, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए हमेशा ऐसे। और मेहनत करने से तुम ऐसे भी अच्छा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, भारी है कितना बंद से धन खींच लियो, कितने बंद से मान लो कतई बैठे रहो तो कतई रोटी नहीं मिलेगी। ये तो बनाए तो भगवान ने जागताई है, इनसे खूब खेचो और खाओ पियो मौज करो, सही बात है, तो उन्हीं की मट्टी तुम्हारा क्या रखा है। सही बात है, कल परसों मर जाने, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा क्या रखा है, कुछ नहीं है। हाँ। 19 इंच बना के भेज दिए, हाँ। जाना उसी घर को फेरियो। सही बात है, उसने बोला कि रिंच इंच अपने इस्तेमाल करके इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, है ना। बोला जब तक रिंच चल रही है ठीक है, और जैसे ही रिंच खत्म हो जाएगी इधर आ जाओ। ये बोन्ड को ना फेल करने ला गएगी, बस बुला लेंगे। सही बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब बोन्ड सिलम मारने लगेगा उसको बोन्ड को खोलाएगा ही नहीं, तब बुला लेंगे उनने, अब तो इस पे रिंग फेल हो गया, अब आ जाओ इधर को। अब इधर आ जाओ। सही बोला, थोड़े बहुत दिन पर रखेंगे ना, कहीं अब तो इसमें जंगल आ जाए काई आ जाएगी, अब हमारे ही ना जाओ, अब तुम्हारी ही जरूर रह गई। अब सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपने मेरे मन की बात को बोल दिया। सही बात, ये हाँ ये बनाए भगवान ने बनाए हैं, उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। घंजा जाए तो कलर रह गया, ये शरीर ये भी अपना नहीं है। ये ही है प्रेम से जो कर बोल ले बोनता भेजा है। इंसान हुन से बुरा मत मानना, हुन से इंसान को ये भेजते हैं, सबूलत से रहना और सबूलत से काटना। तो हुन से दो चपरासी तुम्हारे साथ भेजे जाते हैं, एक जे कंधा बैठा है, एक जे कंधा पे बैठा है। सही बात है, तो हुन सजा दी जाती है, अच्छाई करोगी तो अच्छाई लिखी जाएगी, कोई का देखता नहीं है ना, देखने वाला इस कंधे पे खुद संग बैठा है। सही बात, सही बात है, तो बुराई का हिसाब वही न्याय होगा। अच्छाई बुराई का न्याय तुम्हारा वही दंड दे जाएगा। सही बात, सही बात, हिन्न हमने कही कोई देखता नहीं है, लाओ कुर्सी उठाए ले जा, जैसे यहीं तो होटल बंद है, उधर उधर चौचाने तब देखा नहीं, तुमने ये उठाए ले जाए तो इसका न्याय होन होगा। हाँ। ये कुर्सी उठ जाएगी, उन्हें सारा बहुत बुरा था, कोई कुर्सी उठा ले गया, दूसरी कुर्सी तुम खरीद लाओगे। हाँ। वो दुखी का दुखी रहेगा, फिर उस पर होन भी दंड पड़ेगा। सही बात, सही बात, होन भी दंड आएगा। तुम्हारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, खाली मन का धम करते रहो, ये जी भेजा है प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। अब ये नहीं भेजा भगवान ने तो दारू पी लेते लोग, कतई दिमाग अपना खुद जो जति आउट करते हैं, जबरदस्ती वाली दवा पीते, मनने वाली खुद अपने आप। हूँ भगवान ने कहते जी हमने बुद्धि अच्छी करके भेजी तो अच्छी करके काट के आओ, ये नहीं कहते बुद्धि खराब कर ले जाती। सही बात, वो अपने आप इंसान करता है, तो भगवान क्या करें। तो तुम नाली से गंदे पानी से राजी हो तो गंदे पानी मांग ले उसकी। सही बात, जैसे तुम खुद अपने आप राजी जब जत्ती रहो, भगवान नहीं कहते हैं उसकी तुम खुशबू ले, भगवान तो यही कहते हैं, शांत कहते फूल लगाओ फूल की खुशबू ले, अगरबत्ती लगाओ उसकी मार लो माग ले। चलो भैया इतना ही बोलो, तुमने इतना भारी उठाया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी, इसको उठाना है ना जाना है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्यों आजकल तो ऐसी हो गया सब बेकार, तो बेकार तो ही गया, तो ये तो उठपन तो काया हो गई है। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। हाँ। आप तो इतना उठा के चल रहे हो, बच्चे चल देंगे ऐसे, बाल बच्चे कितने हैं। जैसे
पार धरती माता करती है, ब्याह है, शादी है, मकान है, तुम्हारा देना लेना है, नौकरी हमारी कम है, जैसे 100 आदमी है, 100 आदमी में 90 आदमी की है नौकरी, कर रहा है 10 आदमी की, 90 फ्री समझो पढ़े लिखे भाई लोग, नौकरी नहीं है। और जो लग गया परिवार उसी के परिवार में नौकरी चल रही है, जैसे उसका देवती लगा, नाती लगा, चाहे पैसे से लगे, चाहे जोहार से लगे, उसी वही परिवार चल रहा। और साले सब बेरोजगारी है, वही धरती माता का भरोसा है। धरती माता नहीं पार करे तो पटके खाए ना। धरती माता जो है 2-3 लाख का गल्ला बेच देता आदमी, 4 लाख का राशन बेचते हैं, राशन मान लो जिसमें 1-2 लाख जिसके लगते हैं, 2-3 लाख 4 लो तो वो 10 लाख का बेचता भी है। जिसका मान लो ऐसा तो कोई नहीं है जिसके भी जमीन भी नहीं है, धरती माता भी नहीं है साथ में, तो वो काटता रहे बाल बच्चों से, तो वो कर लेगा कम से कम 10-15 क्विंटल गल्ला वो अपने घर में कर लेगा। गल्ला मतलब राशन, राशन ना। हाँ, जैसे खेती काटता है, तुम्हारा खेत काट दिया तो तुम्हारा बिलौटी का हिसाब होता है 20-40 किलो 50 किलो बीघा का देंगे, ठेला हो जाता है, तो उसके भी राशन हो जाती है। जैसे अब तुम्हें बित्तार ज्यादा है, तुम्हें नहीं समाज में गया है, तो उनका भी हो जाता है साग की ना। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बाय। ओके, तो ये हैं भैया हमारे दुकान पर आए थे, और ये माताजी और हम दोनों बैठे थे, साथ ही रहते हैं, और कह रहे थे कि भाई मेहनत करने से सब कुछ होता है, इतने बुजुर्ग आदमी है देखो, मेहनत करके ले जा रहे हैं, तो मेहनत करनी चाहिए है ना। मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ भाई। चलिए और दिखाते हैं आगे क्या होता है। कौन सी लारी लकड़ी है गोडिया, कौन सा ती है मेहनती है, छान को नहीं ले रहे आप, बढ़िया रहे, बढ़िया रहे। हाँ थोड़ा टिका के फिर आराम से पानी पियो। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है कम से कम 12 बज चुके हैं, अब हम लोग जो हैं घर को जा रहे हैं, अचार हमने ले लिया था उनसे, मेरा रेडियो भी साथ में ही चल रहा है, और बकरी भी पीछे आ रहे हैं, ये पीछे जानवरों के लिए मम्मी ने काट रखा है, तो मैं इसको साथ में ले जा रहा हूँ। अभी घर में जाके जो है दाल चावल बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसा हो रहा है।